हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली का असाइनमेंट वर्कशीट 10 करेंगे। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का है दोस्तों, क्लास 8 के लिए। तो ये असाइनमेंट वर्कशीट 20 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो आपके चार क्वेश्चन है 1 मार्क के हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है 7 × y का, ये क्या होगा? 7 होगा। अगर आप 7 × y करेंगे तो क्या बन जाएगा? 7y बन जाएगा। तो कोफिशियंट तो 7 ही हुआ ना। तो एन एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 2 टर्म हो वो क्या कहलाती है? बाइनोमियल कहलाती है। तब जो प्रोडक्ट है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का, ये क्या होगा? तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। इसकी आपने आइडेंटिटी भी पढ़ी है, तो एक बार आइडेंटिटी को लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे 7 × 7xy माइनस 5x, इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म्स है, और ये क्या हुआ? बाइनोमियल हुआ। अब जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 5 की एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ये क्या होगी? ये माइनस 4 होगी। आप निकाल के देख सकते हैं इस तरह से। अब आइडेंटिटी लगानी है 2y + 5 एंड 2y + 5 के लिए। तो 2y + 5 का स्क्वायर हो गया। तो अब आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस 2ab + b² लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4y² + 20y + 25। अगला ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। तो ऐड करने के लिए आप सिंपली ऐड करेंगे, ना कोई साइन चेंज होगा ना कुछ। तो जिस टर्म को जिसकी जो जो सी लाइक टर्म है वो उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो 7xy - 2xy 5xy आ गया, 5yz + 4yz 9yz - 3zx - 6zx हो गया, +9zx 3zx हो गया, -4y - -4y और +5x - +5x, ये आपका आ गया। अब सबट्रैक्शन समझते हैं। तो सबट्रैक्शन में प्रॉप लगा, इसलिए जो बाद वाली टर्म होती है वो पहले लिखते हैं, फिर पहले वाली लिखते हैं, और सभी का साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। तो 7x² - 5x² - 2x² - 4xy - 0 - 4xy (8y² + 4y² - 12y² + 5x + 0 + 5x - 3y + -6y - 9y - 3 + 3 + 3y). मल्टीप्लाई करना है a² + 2b² - 5a - 3b। तो आप करेंगे ए स्क्वायर को 5a से, तो 5a³, ए स्क्वायर को 3b से, तो 3a²b, 2b² को 5a से, तो 10ab² और 2ab² को 3b से, तो -6b³। इसी तरह से आप 10th करेंगे। 10th में भी आपको यही करना है, पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपका इस तरह से हो जाएगा 10th भी। वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली असाइनमेंट वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। आप इस असाइनमेंट वर्कशीट को पूरा कंप्लीट करेंगे।